मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट दरभंगा। लांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। गंगा के भगवान दास मोहल्ले में 1997 ईस्वी से सूर्य भगवान की प्रतिमा और हो रही पूजा अर्चना। दरभंगा के दोनार में छठ घाट बनाने के क्रम में व्यक्ति गिरा, छड़ से घायल, डीएमसीएच पहुंचा इमरजेंसी में। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के राज परिवार के घर में चोरी के मामले में फिंगरप्रिंट्स के डायरेक्टर पहुंचे पटना एवं एसएसपी ने किया थाना प्रभारी को निलंबित। दरभंगा के साथ नगर काली मंदिर में सूर्य उपासना की पूजा हेतु बनाया गया प्रतिमा। दरभंगा के जीएनगंज के आसपास के तालाब में गंदगी रहने के कारण अब लोग छत पर ही की पूजा अर्चना। छठ के शाम के अर्घ तक कपड़े की दुकानों में रही भीड़। दरभंगा के वार्ड 28 और 27 में पड़ने वाले एकमात्र तालाब की दुर्दशा से मोहल्लेवासी परेशान। छठ के दिन दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में मात्र 5 मरीजों का वार्ड रजिस्ट्रेशन, सारी सीटें रही खाली। दरभंगा के जिला स्कूल के तालाब में एक मुस्लिम पार्षद रहते हुए भी छठ व्रत के लिए की साफ सफाई एवं दिया ध्यान। दरभंगा के कई छठ घाटों पर छठ व्रतियों के द्वारा अलग अलग समय दिया गया संध्या अर्घ। दरभंगा के सैदनगर अवस्थित काली मंदिर में पहली बार सूर्य उपासना के लिए सूर्य भगवान की प्रतिमा जो कि घोड़ों पर सवार दिखते हैं, इस बार पहली बार काली मंदिर में सूर्य भगवान की इस प्रतिमा को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों भक्तजन यहाँ पहुंचे। गौरतलब है कि काली मंदिर के तालाब में छठ पूजा का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार भव्य प्रतिमा का निर्माण मोहल्लेवासियों के सहयोग से किया गया है। डीएमसीएच पहुंचा इमरजेंसी में। दरभंगा के दोनार में छठ घाट बनाने के क्रम में एक छड़ से टकरा जाने के बाद उसके पेट में छड़ का भाग घुस गया। हालांकि वहां हल्ला हो गया कि किसी ने डैगर मार दिया है, लेकिन मोहल्लेवासियों ने मामले को शांत किया और कहा कि डैगर नहीं मारा बल्कि छड़ से उसे चोट लगी है। डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती है जहां इलाज चल रहा है। घाट बना रहा था तो गिर गया, तो उसी में कुछ गथा गया, तो उसमें हल्ला हल्ला उठ गया कि डैगर मार दे, डैगर मार दे। तो पूछो कोई बात नहीं, हम लोग किस पर करेंगे केस, झूठों की किसको हम फंसाएं। पहुंचे पटना एवं एसएसपी ने किया थाना प्रभारी को निलंबित। दरभंगा में राज परिवार के सदस्य के घर में चोरी हो जाने के मामले को दरभंगा एसएसपी ने गंभीरता से लिया है, जहां एक तरफ उन्होंने लापरवाही बरतने के लिए मदन प्रसाद नगर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पटना से फिंगर प्रिंट्स जांच करने के लिए डायरेक्टर पूरी टीम के साथ पहुँचे। उनके घर में हर जगह जहाँ चोरों ने अपनी हथेली को रखा, अंगूठे के निशान को पूरी टीम ने परखा और जांच के बाद वापस सैंपल ले गए। दरभंगा में कई जगह चोरी की घटना को देखते हुए एसएसपी ने काफ़ी गंभीरता से एक्शन लिया और थाना प्रभारी को बदलते हुए वहां हरि नारायण सिंह को नगर का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया है। दरभंगा जीएनगंज के आसपास एक दो तालाब हैं जिसमें गंदगी और कचरा रहने की वजह से कई श्रद्धालु अब अपने घर पर ही पानी का टब बनाकर माँ छठ मैया की पूजा उपासना एवं सांध्य अर्घ दिए। इस मौके पर लोगों ने कहा कि आसपास की गंदगियों को देखते हुए शुद्ध और साफ जल में ही पूजा अर्चना की जानी चाहिए, इसीलिए वो विगत 2-3 वर्षों से अपने छत पर ही पूजा अर्चना करते हैं। अपने छत पर ही पानी की व्यवस्था करके छठ करते हैं। अब तालाब का स्थिति बहुत खराब है, सफाई नहीं रहता है, जिस कारण अब हम लोग अपने से सफाई सुथरा करके घर पे ही छठ पूजा करते हैं। इस बार कैसा लग रहा है, 2 साल कोरोना का था उसके बाद? अगले साल भी हम लोग छठ पर ही किए थे
और कोरोना काल से इस बार ज़्यादा धूमधाम से हम लोग कर रहे हैं। अगले साल तो सीमित में किए थे, इस बार बहुत धूमधाम से हम खुशी पूर्वक छठ पूजा करते हैं। दरभंगा में छठ के सांध अर्घ से पहले तक कपड़े की दुकानों में खरीदारी के लिए युवाओं की भीड़ देखी गई। कहा जाता है कि मॉल से अधिक इस बार ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का झुकाव सीधा कपड़ों के दुकान पर था। पहले मॉल के दुकानों में ये युवा ग्रामीण क्षेत्र से आकर मॉल में खरीदारी करते थे, लेकिन अब सजी धजी मौलागंज में कपड़े के दुकानों पर भी युवाओं की भीड़ देखी गई और बड़े उत्साह उल्लास से कपड़े खरीदते देखे गए। हालांकि दुकानदार का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार थोड़ा निराशाजनक है। कमजोरी है मार्केट में। अच्छा, अगली बार से ज्यादा भीड़ भड़का नहीं है, थोड़ा 10-20% कमी है मार्केट में। क्या मॉल से क्या असर पड़ा? मॉल से तो असर कोई खास नहीं है, मॉल का अपना परचेज अपनी जगह पर है, यहाँ का परचेज अपनी जगह पर। यहाँ पर जहाँ के ग्रामीण लोग जुटते हैं वो आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। शहरी लोगों का परचेजिंग इस एरिया से थोड़ा कम हो गया। किस चीज की ज्यादा मांग हो गया है? अभी जींस जैकेट ज्यादा बिक रहा है, जींस पैंट बिक रहा है और शॉर्ट बिक रहा है। अर्चना, दरभंगा के सबसे पहले 1997 ईस्वी में भगवान दास मोहल्ला जेपी चौक के पास भगवान सूरज की पूजा आराधना होती आ रही है। मोहल्ले वासियों के द्वारा हर वर्ष नए नए तकनीक एवं आधुनिक डिजाइन से प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। इस बार विशेष व्यवस्था की गई थी, 10 सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि समय को देखते हुए सेल्फी खिंचाने के लिए भी यहाँ दर्शक जमा हो सके। हर चौक पर प्रतिमा छोटी छोटी लगाई गई है। इस बार भव्य प्रतिमा का आकर्षण स्थानीय मोहल्ले वासियों के द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के दौरान पूजा में कमी और दर्शकों के कम आगमन को लेकर के समिति के में निराशा दिख रही थी, जो इस बार काफी उल्लास में नजर आ रही है। ये 1997 ईस्वी से स्थापित हुआ है सूर्य जी का ये प्रतिमा, और इस बार जो है हम लोग बिजली का सजावट अच्छा से मतलब ढंग से विशेष किए हैं, और कुछ सेल्फी पॉइंट है 6-10 जो हमारे श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे पूजा पंडाल में। मोहल्ले वासी परेशान। दरभंगा के वार्ड 28 और 27 से दोनों मिलाकर एक गंगा सागर का तालाब है जो बड़े आकार में है। यहाँ करीब 500 से ज्यादा परिवार के लोग पूजा अर्चना एवं छठ पूजा करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ के लोगों ने कई बार नगर निगम के अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन इसकी साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, जिससे मोहल्ले वासियों में काफी आक्रोश है। इनका कहना था कि इन्होंने वीडियो बनाकर भी डीएम के मोबाइल पर भेजा था, लेकिन नगर निगम का कोई कर्मी नहीं आया। बाद में एक झाड़ू लेकर आया, तब तक मोहल्लेवासी खुद साफ सफाई एवं चूना का छिड़काव कर चुके थे। छठ पर्व में इस तरह के व्यवहार को देखते हुए ही कई लोगों का मन अब छठ अपने घर और छत पर करने का मन हो जाता है। ये आपको कब्रिस्तान के जस्ट बगल का है, समझ गए। अब सुबह से हम लोग करीब करीब 5:30 से लगातार इन लोगों को फोन करते करते हम लोग उब गए हैं। हमने डीएम साहब को भी भेजा है वीडियो बना के यहाँ की कुव्यवस्था को लेके, समझ गया। उसके बाद भी ना तो कोई स्टाफ आया है सुबह से लेके न अभी तक, 12:00 एक बजे के बाद डाला का आने का आयोजन हो जाएगा। इसके बाद भी अभी तक कोई न साफ सफाई हुई है, नाला और सारा जो कुव्यवस्था बना हुआ है पूरा कचरा का जो भी इस वार्ड के अंतर्गत है पूरा जस का सुबह से पड़ा हुआ है। ना सर, पोखरा जो छठ घाट होता है वो 27 पे पड़ता है, और मोहल्ला जो है कि ना 28 में हम लोग आते हैं। घाट पर जो है कि ना चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण जो है प्रभारी साहब को फोन किए हैं, वार्ड पार्षद सबको फोन किए हैं, वो लोग कहता है कि भेज रहे हैं। अंत में आकर के जो अभी एक आदमी को झाड़ू के लेकर भेजे हैं, तब तक जो है हम लोग मोहल्ले के लड़का लोग जो है मिल करके साफ सफाई किए हैं। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर रविवार को बंद रहने की वजह से इमरजेंसी में इस बार छठ की वजह से मरीज नहीं के बराबर आए। हालांकि डीएमसीएच अधीक्षक के निर्देश के बाद रोस्टर के अनुसार डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात दिखे, लेकिन मरीजों की संख्या मात्र 5 हुई। 5 रजिस्ट्रेशन हुआ और 5 मरीज का इलाज भी हुआ, शांति बनी रही। वे भी छठ व्रत के लिए की साफ सफाई एवं दिया ध्यान।
दरभंगा के वार्ड 37 के एक पार्षद रियासत अली जो कि मुस्लिम हैं, लेकिन छठ घाट की साफ सफाई बैरिकेडिंग के लिए उन्होंने खुद ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने दरभंगा डीएम से भी बात की, इसके हम बैरिकेडिंग लगाया एवं साफ सफाई पर पूरी ध्यान दी। कर्मचारी आकर के या मोहल्लेवासी आकर के, मोहल्लेवासी भी लगा है, मोहल्लेवासी का भी योगदान है और नगर निगम का भी योगदान है, दोनों आदमी का योगदान है। और यहाँ छठवर्ती बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से छठ मना रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ डीएम साहब आए हुए थे, वो भी अपने बोले कि यहाँ बैरिकेडिंग होना चाहिए। हमने नगर निगम को तुरंत सूचना दिया, बैरिकेडिंग हुआ। सर कोरोना में तो 2 साल हम लोग बहुत परेशान थे और इस साल हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है और खुशी के साथ हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं। छठ घाट की साफ सफाई पर सब सब बहुत लोग अब घर में क्यों करने लगे हैं? घर में क्यों कर रहे हैं कि काहे के 2 साल कोरोना में नहीं किए, इसलिए उन लोग को सुविधा लग रहा है, इसलिए उस कर रहे हैं। दरभंगा के इस बार छठ घाट पर अलग अलग समय पर शांति अर्घ दिया गया है। कहा जाता है कि 5:06 दरभंगा में था, वहीं पटना में 5:32 पर, लेकिन दरभंगा के हराही पोखर पर 4:10 पर ही शांति अर्घ देते हुए सभी छठ व्रती को जाते देखा गया। वहीं वार्ड 21 में 5:06 पर शांति अर्घ दिया गया। इसके अलावा दरभंगा के बागमती नदी के किनारे करने वाले 5:10 पर शांति अर्घ दिए। इसी तरह दरभंगा के कई जगहों पर अलग अलग समय में छठ व्रतियों के द्वारा शांति अर्घ दिया गया। गंगा सागर पोखर पर ठीक 5 शांति अर्घ दिया गया। गौरतलब है कि इस बार एक समय नहीं रहने की वजह से अलग अलग छठ घाटों पर श्रद्धा के अनुसार और समय के अनुसार सभी छठ व्रतियों ने अलग अलग समय पर शांति का अर्घ दिया। अब सुबह का अर्घ 6:27 पर होना